नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनका परिवार वॉशिंगटन में रहता है, लेकिन इनके घर के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको इनके घर के बारे में बताएंगे। इनका घर पहाड़ियों और वॉशिंगटन झील के बीच में मौजूद है। यह बंगला करीबन 1.5 एकड़ में बना हुआ है। इस बंगले में 7 बेडरूम, 24 बाथरूम, एक किचन, एक स्विमिंग पूल और 2,300 स्क्वायर फीट का रिसेप्शन हॉल है। इसके अलावा इसमें 2,500 स्क्वायर फीट का जिम भी बनाया गया है। इस घर की खूबसूरती में नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई भी इस बंगले की तस्वीरों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह बंगला 18वीं और 19वीं शताब्दी के बंगलों जैसा होगा, क्योंकि घर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं और इसका आउटलुक भी ऐसा ही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बंगले में 1,500 स्क्वायर फीट का थिएटर भी है, जिसमें करीबन 20 लोग बैठकर आसानी से फिल्म देख सकते हैं। इस बंगले की खासियत यह है कि इसमें सुरक्षा कर्मियों के कदमों के दबाव से पता चल सकता है कि घर में कितने लोग मौजूद हैं और वह बाहरी हैं या घरेलू। नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स के अनुसार मध्यम वर्गीय अमेरिकियों से बिल गेट्स का घर करीबन 30 गुना ज्यादा बड़ा है। बिल गेट्स के घर की दीवारों में हाईटेक तस्वीरें बदलने वाले प्रोग्राम लगे हुए हैं, जिससे घर की दीवारों पर सारी तस्वीरें अपने आप बदल जाती हैं। इन तस्वीरों को आप टच कर इनका आर्ट वर्क भी बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें माइक्रोचिप लगाई गई है। इस घर में आर्ट वर्क के लिए एक विशाल डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई है। अगर आपको कोई भी आर्ट वर्क पसंद नहीं आ रहा तो आप क्लिक कर उसको चेंज कर सकते हैं। $80,000 की कीमत वाली ये मशीनें आपको आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। बंगले में 2100 स्क्वायर फीट में बनी आलीशान लाइब्रेरी लोगों का मन मोह लेती है। इसे बनाने में $30 मिलियन, करीबन 190 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इस घर को 300 मजदूरों ने मिलकर बनाया है, जिसमें से 100 इलेक्ट्रिशियन थे। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेरणा बढ़ाता है। धन्यवाद।